नर्मदे हर, हमारे आसपास कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। प्रकृति हमारे आसपास ही कितनी सुंदर है, कितनी अनुपम है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। अगर परिक्रमा में नहीं निकलें, माँ नर्मदा की प्रदक्षिणा करने नहीं निकलें, तो हमारे आसपास के ही ऐसे अनुपम दृश्य हमारी नज़रों से ओझल होते हैं, हमारी पहुँच से दूर होते हैं। माँ की परिक्रमा करते हुए सीतावन आए तो इस झरने ने रोक लिया, पांव पकड़ लिया, बैठा लिया। अरे बोले, कहाँ जा रहे हो, आओ, यहीं तो रुकना है, तनिक देर हमारी संगत भी करो। जयंती माता के दर्शन के बाद यहाँ ठीक नीचे ये जो प्रपात गिर रहा है, इस पहाड़ी की नीचे कंदरा में भैरव गुफा है। चारों तरफ से पानी गिर रहा है और पहाड़ी के नीचे भैरव विराजे हुए हैं। इस भैरव गुफा को देखने के लिए आए। आप यकीन मानिए कि जब आप भैरव के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो बिना स्नान किए नहीं जा सकते, बिना नहाए हुए भैरव के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि पहाड़ी पर पानी गिर रहा है। और ये पानी है किस नदी का? ये पानी है खाण नदी का। जी, ये नदी भी देवास ज़िले के बागली से निकलती है, जटाशंकर से, और यहाँ आकर इस तरह प्रपात का निर्माण करती है, एक झरना बनाती है, ऐसा रूप लेती है कि ये बैठाए अपने आसपास, मन मोहे, एक संगीत सुनाए, जल तरंग, ऐसा स्वर, ऐसा नाद दे कि आप इसकी संगत करें, इसकी सोहबत करें। शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, कभी भी आप इसके पास बैठें। गर्मी प्रचंड हो रही है और दोपहर को तो खासकर बहुत तेज होती है। इस बीच जब यहाँ बैठते हैं, यहाँ खड़े होते हैं, तो एक ठंडक है, ऐसी शीतलता जो किसी भी प्राकृतिक स्थल पर ही मिल सकती है, कृत्रिम तरीके से उसे हासिल नहीं किया जा सकता। आप पानी की इन बूंदों को महसूस कर सकते हैं, पानी की इस धार को महसूस कर सकते हैं। यहाँ नीचे तक उतरने के लिए ऊपर से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, लोहे की सीढ़ी के जरिए हम नीचे तक आए हैं, और नीचे से जो पानी का उतार देख रहे हैं, पानी को नीचे उतरता हुआ देख रहे हैं, वह अपने आप में उतरने जैसा है, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने जैसा है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, पानी ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरह का खतरा हो, पानी ऐसा नहीं है कि आपको बहा ले जाए, लेकिन पानी ऐसा ज़रूर है कि आपके मन को बहा ले जाए, आपकी आत्मा को बहा ले जाए, आपकी स्मृतियों को यहाँ खूंटे से गाड़ कर बांध दे, आपकी स्मृतियों को ये जो पतली पतली डोरे हैं पानी की, इन रस्सियों में उसे बांध दे। ऐसा अनुपम दृश्य माँ नर्मदा के पास तो बहुत सारा है, ऐसे चित्र तो माँ नर्मदा कई बार बनाती हैं, लेकिन नर्मदा की देखा देखी, नर्मदा से मिलने वाली दीगर नदियाँ जब इस तरह का रूप धरती हैं, जब इस तरह का एक वेश बनाती हैं, तो फिर ऐसा लगता है जैसे हम माँ नर्मदा के पास ही बैठे हों, माँ नर्मदा की सोहबत में ही हों। ऐसे ही अपने आप को तराशना सीखती हैं दूसरी नदियाँ, नर्मदा से सीखती हैं। जैसे नर्मदा बार बार गिरकर स्वच्छ होती है, बार बार ऊपर से नीचे आकर अपने आप को परिमार्जित करती है, दूसरी नदियाँ भी इसी तरह अपना परिमार्जन करती हैं। हर छोटा, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, अपने से बड़े से सीखता है, उससे बहुत कुछ लेता है, उसकी शिक्षा ग्रहण करता है, कभी जाने में, कभी अनजाने में, कभी चाह कर, कभी न चाह कर। या यूं कहें कि प्रकृति कई जगह
अपना रूप अलग अलग तरह से धरती तो है लेकिन दिखाई एक जैसा देता है, सम्मोहक एक जैसा लगता है, सौंदर्य एक जैसा ही नजर आता है। खाण नदी के इस प्रपात में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। माँ नर्मदा धुआंधार में नीचे गिरती हैं तो वे एक अलग सम्मोहन में होती हैं, एक अलग साधना में होती हैं। और खाण नदी जब यहाँ गिरती है सीतावन में जयंती माता मंदिर के पास, तो वो बिल्कुल एक नन्हा सा प्रपात बनाकर आपको बैठाती है कि जैसे हाथी के बच्चे को आप खिला सकते हैं, उस पर हाथ फेर सकते हैं, जैसे हिरण के बच्चे को आप दुलार कर सकते हैं, जैसे गाय के बच्चे को भी आप अपनी गोद में भर सकते हैं, तो वैसे ही ये प्रपात है। बड़े प्रपात का बच्चा, छोटा सा बच्चा आप इसको गले लगा सकते हैं, इसे बाह में भर सकते हैं, इसके साथ आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, इसके साथ अपने को बांट सकते हैं। ये जो स्वर है जल का, ये अद्भुत आनंद का स्रोत है। ये किसी योगी को ध्यान लगाने के लिए बाध्य कर देता है, किसी कवि को कविता लिखने के लिए, किसी कलाकार को अपनी तुलिका चलाने के लिए। और हम परकम्मा वासियों को जो रोज आगे बढ़ते हैं उन्हें तनिक रोक लेने के लिए, उनके पांवों को ठहरा देने के लिए। ऐसा लगता है कि बस हम बोलना बंद कर दें और इसके शब्द आपको सुनाई देने लगे, इसके शब्द आपको समझ में आने लगे। और ये जो गर्जना कर रहा है, जो बोल रहा है, जो निरंतर वाचाल है, जिसकी वाणी कभी थमती नहीं है, दिन हो या रात हो ये बोलता ही रहता है, उसकी वाणी को हम समझ सकें और समझ सकें कि गिरता हुआ पानी कहता है कि इसी तरह गिर कर उठना होता है, नीचे गिरकर हम ऊपर उठते हैं, भाप बनकर आसमान में जाते हैं और फिर से यहाँ गिरने के लिए आ जाते हैं। ये जीवन की गति भी है, जीवन का नियम भी है, जीवन का दर्शन भी है और एक सीख भी कि हम गिरने से कतराएं नहीं, गिरने से डरे नहीं, गिरने से बचे नहीं। अगर गिरे नहीं तो उठना नहीं होगा, गिरे नहीं तो संभलना नहीं होगा, गिरे नहीं तो हम शिखर की तरफ बढ़ेंगे नहीं। हम जितना बोलते रहेंगे, ये झरने भी सुनते रहेंगे, ये बूंदे भी सुनती रहेंगी, ये धार भी सुनती रहेगी और होड़ रहेगी एक दूसरे से, एक दूसरे को सुनाने की, तो हम चुप होते हैं। और आप इसके स्वर के गांभीर्य को सुने, आप इसके स्वर की कविता को सुने, आप इसके स्वर के संगीत को सुने और मन ही मन नर्मदे हर कहे, क्योंकि ये भी वस्तुतः नर्मदे हर ही कह रहा है, क्योंकि ये खाण नदी अंत में जाकर माँ नर्मदा से ही मिलती है। बस कुछ ही किलोमीटर दूर पर, तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर पर माँ नर्मदा में इस खाण का संगम हो जाता है। ये अपने आप को समर्पित कर देती है, मिलने से पहले ये एक उत्सव मनाती है यहाँ पर इस तरह के प्रपात के रूप में। मिलने से पहले, माँ नर्मदा से संगम से पहले यह एक महोत्सव की रचना करती है इस प्रपात के रूप में, ताकि माँ नर्मदा देख सके कि उसकी सहेलियों को, उसकी छोटी बहनों को भी जल का उत्सव
जीवन का उत्सव मनाना आता है।